छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार और बाइक के बीच हुए एक्सीडेंट में मृतक युवक की पहचान निरंजन चंद्रवंशी नाम के शिक्षक के तौर पर हुई है। वहीं घायल बच्चों में एक उनका स्वयं का बेटा है, वहीं दो स्टूडेंट हैं। इधर इस घटना के बाद नरसिंहपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्री पटेल ने घटना पर दुख जताते हुए पूरे घटनाक्रम की मीडिया को जानकारी दी और मृतक तथा घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हम छिंदवाड़ा से वापस आ रहे थे और अचानक रोड से सीधे सामने आए, गाड़ी में चार लोग थे, स्कूल का बच्चे थे, टीचर उनके बाकी थे। उसमें हमारे ड्राइवर ने दाने तरफ ही गाड़ी और डाल दी, वो बच्चे ने कुछ संभव नहीं कुछ चोट आपको सबको चोट, मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो भी परिस्थिति बनी उससे छोटे सबको आई है, इतने खतरनाक स्थिति में वो परिस्थिति थी, जो लोगों ने देखा शायद वो मैं तो बता पाया। से लौटते समय जो मेरी आंखों के सामने घटा वो हृदय विदारक, मेरे ड्राइवर ने जिस कुशलता से बचाने की कोशिश की उसमें कृपा से हम लोगों की जान तो बची, लेकिन जो बच्चे के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई है वो बेहद दुखद है। मैं परिवार को संबंध में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे भी बात की तो उन्हें उनके इलाज और बाकी चीजों की बात की, लेकिन ये क्षति हम नहीं रोक पाए, हम लाचारी देखते रहे खड़े होकर तब तक उनको हमने अस्पताल पहुंचाया। हम कितने लाचार हो जाते हैं ऐसी अवसरों पर, ईश्वर उनको सामर्थ्य दे, ये भगवान से प्रार्थना।